हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए की दाल। तो बथुए की दाल बहुत ही टेस्टी होती है। बथुए की दाल को हम उड़द की दाल में बनाएंगे। बथुए की दाल को हम उड़द की दाल के साथ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक कप उड़द की दाल ली है, जिसको हमने साफ कर लिया है। और ये हमने हाफ के जी बथुआ लिया है, जिसे हमने साफ करके धुल लिया है। एक चम्मच हींग ली है, बहुत ही अच्छी हींग है। और नमक स्वाद अनुसार है। दो हमने ये लाल मिर्च लिए हैं, जिसका हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बथुए को उबलने के लिए रखते हैं। सबसे पहले बथुए को उबालने के लिए हमने एक कुकर लिया है, इसमें हम बथुआ ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने कुकर में बथुए को ऐड कर दिया है। इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे। कुकर को बंद कर देते हैं। तो देखिए, कुकर को हमने बंद कर दिया है गैस का फ्लेम ऑन करके। इसमें दो सीटी दिलाते हैं, दो सीटी के बाद हम इसे देखेंगे। दो सीटी के बाद हम बथुए को चेक करेंगे। तो चलिए, उड़द की दाल को भी हम धोकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, बथुए में दो सीटी आ गई हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, कुकर का प्रेशर निकलने देते हैं, बथुए को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद बथुए को पीस कर दाल बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, कुकर का प्रेशर अच्छे से निकल गया है। बथुए को चेक करके देखते हैं अच्छे से उबल गया है या नहीं। तो देखिए, बथुए का कलर चेंज हो गया है, बथुआ अच्छे से उबल गया है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। खासकर बथुआ चावल सबको पसंद होता है, ये बहुत टेस्टी भी बनता है। आप लोगों के घरों में दादाजी दादी जी सभी को बथुआ पसंद होता है। बथुआ चावल बथुए के साथ बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग इस सरल ट्रिक से बथुआ बनाना सीखें। ये बहुत ही सरल तरीका होता है बथुआ बनाने का, और गांव वाली फीलिंग्स आती है, सबको पसंद भी बहुत आता है। इस ट्रिक से आप लोग भी बना। बथुए को 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और चाहे तो सिल से भी पीस सकते हैं। सिल से पिसा हुआ बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए हम बथुए को सिल से पीसेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और ये हमने हींग ली है, ये डेली वाली हींग है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इस बथुए में हम इस वाली हींग को डालकर बनाएंगे। हम बथुए के साथ में ही हींग को भी पीस लेंगे। हींग डालने से बथुए का स्वाद भी दोगुना हो जाता है। तो देखिए, बथुआ अच्छे से ठंडा हो गया। चलिए, बथुए को पीस कर तैयार करते हैं, उसके बाद हम दाल बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए, हमने बथुए को पीस कर तैयार कर लिया है। हमने इसे सिल से पीसा है। सिल का पिसा हुआ बथुआ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर हमने ले लिया है। कुकर में हम एक काली दाल डालेंगे, इसे हमने पहले ही धुल लिया था। तो देखिए, हमने दाल को कुकर में डाल दिया है। इसमें बथुआ भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, हमने दोनों चीजों को कुकर में ऐड कर दिया है। इसमें पानी डालेंगे। देखिए, बथुए में हमने एक हाफ जग पानी भी डाल दिया है। ज्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है, गाढ़ा गाढ़ा ये बथुआ अच्छा लगता है। तो चलिए इसे चला देते हैं। चलिए, अब बथुए में नमक भी डाल देते हैं। नमक हमें पहले नहीं डालना है, जिससे नमक बाद में डालना है, जिससे इसका कलर मेंटेन रहता है, इसका कलर ग्रीन बना रहता है, इसलिए हमें नमक को बाद में ही डालना है। तो चलिए, कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और 3 सीटी आने तक इसे पकाते हैं। उसके बाद बथुए की दाल को चेक करके देखेंगे। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। 3 सीटी आने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद हम बथुए की दाल को खोल कर देखेंगे। तो देखिए, बथुए में 3 सीटी आ गई हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, कुकर का प्रेशर निकलने देते हैं। उसके बाद बथुए की दाल को चेक करेंगे, फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो देखिए, कुकर का प्रेशर निकल गया है। बथुए की दाल को हम चेक करके देखते हैं अच्छे से गल गई है नहीं। देखिए, हमारी दाल अच्छे से पक गई है, बहुत ही टेस्टी बथुआ बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए, दाल में तड़का लगाते हैं। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। देखिए, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये हमने जो साबुत मिर्च ली थी, इसको चाकू से छोटे छोटे पार्टों में काट लेना है। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें मिर्च का तड़का लगाएंगे। तो देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम तड़का लगाएंगे। तो इसमें ये हमने मिर्च को जो काटा था उसे डालेंगे।
तो देखिए दाल में तड़का लगा देते हैं। तो देखिए हमारी बथुए की दाल बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के भी साथ ये बहुत अच्छा लगता है। लोगों को हमारे बथुए की दाल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को हमारी बथुए की दाल की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।